नमस्कार, न्यूज 18 गुजराती में आपनु स्वागत छे। आपनी साथे हूं छु मित्तल। नजर करिए समाचार सुपरफास्ट पर। सूरजकुंड में योजायेली स्टेट होम मिनिस्टर की बैठक में चिंतन शिविर की बैठक में पीएम मोदी वर्चुअल संबोधन। साइबर क्राइम तथा महिला सुरक्षा मुद्दे करी चर्चा। दरियाकांठा की सुरक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा अंगे पण करी चर्चा। सूरजकुंड में प्रधानमंत्रीए संबोधन करता कहूं कि देश में हाल उत्सव वातावरण। दरेक राज्य एकबीजा पास की प्रेरणा ले तेवी पीएम की बात। पीएम ने कायदा व्यवस्था अंगे करी बात। प्रधानमंत्रीए 5G अंगे करी बात। कहूं कि 5G अंगे जागृति जरूरी। टेक्नोलॉजी ने बजेट त्राजवे न तोलो। टेक्नोलॉजी क्राइम प्रिवेंशन में करे मदद। सूरजकुंड में पीएम मोदी संबोधन में कहूं कि गुना ने इंटरस्टेट और इंटरनेशनल थाय। टेक्नोलॉजी की मदद की गुनाओ थी रहा है। दरेक एजेंसीओ एकबीजा ने सहकार आपवो जोईए। केन्द्र ने राज्य वच्चे संकलन जरूरी। भारतीय वायुसेना नासी 295 ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट हवे गुजरात में बनशे। टाटा एरबेस द्वारा वडोदरा में एरक्राफ्ट बनावामां आवशे। 30 ऑक्टोबरे पीएम मोदी एरक्राफ्ट मेन्युफेक्चरिंग प्लांट नो शिलान्यास करशे। पीएम मोदी 30 ऑक्टोबर थी 3 दिवस गुजरात प्रवासे आवशे। वडोदरा में रोड शो बाद लेप्रसी ग्राउंड पहुंचशे पीएम। गांधी उद्योगनगर कार्यक्रम में पण पीएम संवाद करी केवड़िया में रात्रि रोकाण करशे। पीएम मोदी 31मी एसओयूए केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस की उजवणी में जोड़शे। त्यारबाद पीएम थराद में विकास कार्यों की भेट आपी सभा ने संबोधशे। 31मीए गांधीनगर राजभवन खाते करशे रात्रि रोकाण। 1 नवेम्बरे मानगढ़ जशे पीएम। शहीद आदिवासी ने श्रद्धांजलि पाठवशे। जांबुकोड़ा थी गांधीनगर परत फरी महात्मा मंदिरे हाजरी आपशे पीएम मोदी। महात्मा मंदिर थी वर्चुअली भाजप कार्यकरों ने दिवाड़ी स्नेह मिलन कार्यक्रम ने संबोधशे। तो बनासकांठा में प्रधानमंत्री मोदी ने आवकारवा माटे सरहदी विस्तार में खुशी नो माहौल। वाव विधानसभा में नूतन वर्षना स्नेह मिलन में मळ्या प्रजानो मत। पीएम मोदी 31 ऑक्टोबरे थराद में सभा संबोधशे। शनिवारे योजाशे भूपेन्द्र पटेल सरकार की कैबिनेट की बैठक। बपोरे 32 कलाके योजाशे बैठक। सीएम भूपेन्द्र पटेल महत्वना मुद्दाओं पर चर्चा करशे। भाजपनी उम्मीदवार पसंदगी वच्चे सीआर पाटिल सिद्धपुर रोड शो। पाटण जिला क्षत्रिय ठाकुर सेना प्रमुख पाटिल हस्ते करशे केसरिया। काकोसी 4 रस्ता थी सेसा गाम सुधी रोड शो योजाशे। सीएम भूपेन्द्र पटेल गौ भक्तों माटे महत्वनो निर्णय। गौवंशना पोषण तथा आश्रय माटे 500 करोड़ ने गौमाता पोषण योजना जाहिर। जमीन न धरावती गौशाला पांजरापोळों ने गौमाता पोषण योजना मळशे लाभ। प्रत्येक पशु माटे रोजना 30 रूपया प्रमाण अपाशे सहाय। अंदाजे 1600 वधारे गौशाला 5 लाख पशुओं ने योजनाकीय लाभ मळशे। तालुका कक्षानी समिति दर 3 महीने सहायपात्र पशु की करशे चकासणी। रकम लाभार्थी की बैंक खाता में डीबीटी थी सीधी जमा थशे। राजस्थान मुख्यमंत्री 4 दिवस गुजरात प्रवासी आज दाहोद गरवाड़ा में जनसभा संबोधशे। फतेहपुरा में सभा। वडोदरा में पत्रकार परिषद संबोधशे। वडोदरा बाद नवसारी में जनसभा ने संबोधित करशे। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 30मीए बनासकांठा दाता में सभा संबोधशे। त्यारबाद खेड़ब्रह्मा तथा भिलोड़ा में सभा संबोधशे। 31मीए वड़गाम में भाजप जोड़ो यात्रा में जोड़शे। जूनागढ़ में आगामी लीली परिक्रमा ने लईने मीटिंग नु आयोजन। तमाम विभाग अधिकारी रहेशे उपस्थित। साधु संतो उतरा मंडल अने क्षेत्र चलावना साथ मीटिंग नु आयोजन। लाखों की संख्या में भक्तों मळशे। शंकरसिंहना पुत्र महेन्द्रसिंह वाघेला कांग्रेस में जोड़शे। पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंहना पुत्र महेन्द्रसिंह की कांग्रेस में घर वापसी। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन पीएम ऋषि सुनुक साथ करी टेलिफोनिक बातचीत। बने देश संबंध मजबूत करने मुद्दे करी चर्चा। पीएम मोदी ट्वीट करी आपी माहिती। रशिया राष्ट्रपति पुतिने प्रधानमंत्री ने करी प्रशंसा। कहूं मोदी महान देशभक्त। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र। चूंटणी पहला अमदावाद कांग्रेस में भंगाण। यूथ कांग्रेस प्रमुख राहुल परीखनु राजीनामु। कांग्रेस प्राथमिक सभ्यपदे आप राजीनामु।
राजकोट की रांगीणावाड़ी में जिला भाजप महामंत्री बीनू ठुमर की बोलाचाली शहर तथा ग्राम्य आगेवानों साथे करी बोलाचाली अपेक्षित न होवा छता सेंस प्रक्रिया में जवा मांगता हता बीनू ठुमर। बनासकांठा में वावना धारासभ्य गेनीबेन ठाकुर की बाबरथी ढीमा धरणीधर गाम सुधी पदयात्रा गायों ने लंपी वायरस की राहत मे माटी हती मानता शामणियाना शरणे जशे गेनीबेन ठाकुर। गेनीबेन ठाकुर साथे अनेक लोग सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदयात्रा में जोड़ाया। बे दिवसीय पदयात्रा ठेर ठेर करायु स्वागत। 55 किलोमीटर पगपाड़ा चालता जवानी मानता मानी हती गेनीबेने। साबरकांठा ईडर में एससी बैठक पर स्थानिक की मांग साथ पत्रिका युद्ध। पत्रिका में एमएलए राजेंद्र सिंह चावड़ा नो उल्लेख। वर्षो की बहार उम्मीदवारों होवानी पत्रिका में फरियाद। उम्मीदवारों माटे भाजपनी सेंस प्रक्रिया आज बीजो दिवस। अमदावाद राजकोट अमरेली सहित बैठक माटे सेंस लेवाशे। विरमगाम बैठक थी हार्दिक पटेल की दावेदारी। अमदावाद शहर की 8 बैठकों माटे लेवाशे सेंस। तो नवसारी में पूर्व क्रिकेटरे भाजप में करी दावेदारी। राकेश पटेले भाजप की टिकट की मांग करी जलारपुर बैठक पर नोंधावी दावेदारी। 2021 और 22 में रणजी टीम बॉलिंग कोच रहा है राकेश पटेल। सूरत में उधना रोड कमलम कार्यालय भाजपनी सेंसनी प्रक्रिया। किडियारू उभरायू होय तेवा दृश्य सामे आव्या। जिलानी 3 बैठक पैकी आज 3 बैठक पर सेंस प्रक्रिया लेवाशे। मांडवी ओलपाड़ अने बांगरोड बैठकनी लेवाशे सेंस। पोरबंदर में विधानसभा बैठक माटे भाजपनी सेंस प्रक्रिया हाथ धराई। 5 जेटला दावेदारोए करी टिकटनी मांग। भाजपना जिला संगठनमांथी फरी एकवार धारासभ्य बाबू बोखरियानुं नाम आव्युं आगळ। तापी में निजर और व्यारा विधानसभा बैठक पर भाजपनी सेंस प्रक्रिया पूर्ण। निजर में 7-8 और व्यारा में 20 उम्मीदवारों नोंधाया। बने विधानसभा बैठकों पर भाजपे कर्यो जीत नो दावो। राजकोट शहर और जिला की बैठक में भाजपनी सेंस। मंत्री अरविंद रैयाणी धारासभ्य गोविंद पटेल फरी दावेदारी करने इच्छुक। डॉक्टर किरेट सोलंकी वंदना मकवाणा और भरत बारोटे सेंस की प्रक्रिया शुरू करी। सेंस लेना डॉक्टर किरीट सोलंकी निवेदन। जे लोग सेंस आपवा नथी आव्या तेमने पण टिकट मळी शके। आखरी निर्णय पार्टी नो। अत्यार सुधी अनेक वखत राजकोट में सेंस आपवा न आवनारा व्यक्तिओ ने पण मळी चुकी छे टिकट। तो कच्छ में आज सेंस प्रक्रिया बीजो दिवस। भूज अंजार और रापर विधानसभा बैठक में दावेदारों करशे टिकट की मांगणी। गईकाले अबडासा में 17, मांडवी में 25 और गांधीधाम में 30 जेटला उम्मीदवारों मांगी थी टिकट। गांधीनगर दक्षिण में भाजपनी टिकट माटे 45 दावेदारों नोंधाया। निरीक्षकों सेंस प्रक्रिया शुरू करी। गांधीनगर बाद दहगाम की सेंस प्रक्रिया थशे शुरू। भावनगर जिला की 5 बैठकों माटे भाजपनी सेंस प्रक्रिया। भावनगर ग्राम्य तड़ाजा महुआ पालीताणा बैठक माटे इच्छुक दावेदारों भरशे फॉर्म। बुधेल पास आवेला रुद्र फॉर्म पर उम्मीदवारों जमावड़ो। वडोदरा मांचलपुर विधानसभा की सेंस प्रक्रिया। धारासभ्य योगेश पटेल पहुंचा कार्यालय। मनुभाई टावर भाजप कार्यालय पर पहुंचा। धारासभ्य योगेश पटेले फरी टिकट मेळवानो व्यक्त कर्यो विश्वास। तो महिसागर जिला की 3 विधानसभा बैठक में भाजपनी सेंस प्रक्रिया। लुणावाड़ा संतरामपुर और बालासिनोर की बैठक पर सेंस प्रक्रिया। लुणावाड़ा 44 लोगए नोंधावी दावेदारी। बालासिनोर बैठक पर 33 लोगए नोंधावी दावेदारी। वलसाड जिला ने 3 हाई प्रोफाइल गणाती विधानसभा बैठक की सेंस प्रक्रिया। प्रथम दिवस से प्रक्रिया मद्रास सुधी चाली। पारड़ी बैठक पर 8 दावेदारों नोंधावी दावेदारी। उमरगाम बैठक पर 16 जेटला लोगए नोंधावी दावेदारी। अमदावाद जिला की बैठक में भाजपा उम्मीदवारों की पसंदगी प्रक्रिया। अमदावाद जिला में भाजपनी सेंस बीजो दिवस। विरमगाम साणंद बैठक में लेवाशे सेंस। विरमगाम बैठक हाल कांग्रेस पास। विरमगाम में पूर्व एमएलए प्रागजी पटेल तेजश्री पटेले करी शकी दावेदारी। सुरेन्द्रनगर जिला की 5 विधानसभा बैठक में सेंस प्रक्रिया शुरू। पूर्व धारासभ्य श्यामळाजी चौहान महंतराम बालकरसनदासजी अने नरेश मारू सहित 20 दावेदारों उपस्थित। केसी पटेल मयंक भाई नायक पुष्पाबेन मिस्त्रीए दावेदारों ने सांभळ्या। सूरत में पूर्व भाजप प्रमुख नीतिन वज्जावालाए पूर्व बैठक पर दावेदारी नोंधावी। पूर्व बैठक पर हाल में अरविंद राणा छे धारासभ्य। पूर्व शहर भाजप प्रमुख रही चुक्या छे नीतिन वज्जावाला।
सूरत में पूर्व डेप्यूटी मेयर नीरव शाहे पश्चिम विधानसभा माटे दावेदारी नोंधावी। बैठक पर हाल में पूर्णेश मोदी धारासभ्य पार्टी जे उम्मीदवार नक्की करशे तेने विजय बनावानी वात नीरव शाहे करी। मांजलपुर विधानसभा बैठक पर टिकट मेळववा माटे दावेदारों राफड़ो। योगेश पटेल बाद अन्य दावेदारों ने अपाई साइंस। वोर्ड 17 ना कार्पोरेटर निलेश पाटिले नोंधावी दावेदारी। मांजलपुर विधानसभा बैठक पर परिवर्तन की जरूर होवानुं शैलेश पाटिले जणाव्युं। महसाणा में ऊंझा विधानसभा माटे साइंस प्रक्रिया शुरू। वडनगरना स्थानिक कार्यकरो पण टिकट माटे मैदाने उतरिया। टिकट माटे 50 करता वधु उम्मेदवारों दावेदारी। अमदावाद में दिवाळी की रजाओ दरमियान साइंस सिटी में मुलाकातियों की भीड़ उमटी। अंदाजी 17,000 से वधारे लोगों ने लीधी मुलाकात, जेमां एक्वाइटिक और रोबोटिक गैलेरीए जमावी लोगों में आकर्षण। अमरेली धारी सफारी पार्क में पर्यटकों की भीड़ उमटी। सिंह दर्शन बन्यु लोगों में आकर्षण केन्द्र। पर्यटकों ने आकर्षवा वन विभागे गोठवी सुलभ व्यवस्थाओ। दिवाळी बाद माउंट आबू में गुजराती प्रवासीओनो धसारो। भौगोलिक रीते राजस्थान की सीमा में आवतुं स्थल गुजराती माटे एकदम अनुकूल। आबूना होटल और रेस्टोरंट पर गुजराती प्रवासीओना कारणे हाउसफुल। आबूनी बजारों में प्रवासीओने लईने भीड़। ज्यारे दिवाळी बाद 4-5 दिवस मिनी वेकेशन माणवा उमटिया गुजरातीओ। खावा पीवा अने हरवा फरवाना शौकीन एवा गुजरातीओनी आबू में भीड़। जूनागढ़ में देवड़िया सफारी पार्क में रमत रमत में बे सिंह बाळोए सापनो शिकार कर्यो। फरवा आवेला प्रवासीओए घटना केमरा में कैद करी वीडियो थयो वायरल। सूरत सरकारी अनाज बारोबार वेचवानो कौभांड झड़पायो। सचिन विस्तार में सरकारी अनाज गोडाउन में अनाज बारोबार वेचायो। अंदाजे 10,000 बोरीओ खानगी गाड़ियों में लई जवाती झड़पाई। भरूचना कसक विस्तार आनंद कॉम्प्लेक्स में आग लागी। विहिता केम ऑफिस की बड़ी ने खाक। शॉर्ट सर्किट ने कारण आग लागी होवानुं अनुमान। फायर ब्रिगेडे आग पर मेळव्यो काबू। वडोदरा सयाजी हॉस्पिटल में आग की घटना। बाळरोग विभाग आईसीयू में आग लागता दौड़धाम। बाळकों ने तात्कालिक अन्य वोर्ड में खसेड़ाया। वोर्ड तमाम बाळ दर्दीओ सलामत। वडोदरा हॉस्पिटल में लागेली आग पर काबू मेळवायो। लॉबी में शॉर्ट सर्किट ने कारण लागी हती आग। आग सामान्य होवाथी जानहानिनी घटना टळी। सुरेन्द्रनगर में वास्करपरा गामे नर्मदा की मुख्य केनाल गेट पास प्लेटो धसता गाबड़ू पड़वानी शक्यताओ। छेल्ला एक महीना थी पाणी थाय छे लीकेज। खेडूतो में चिंता। नर्मदा विभाग रिपेरिंग काम करे तेवी मांग उठी। तहेवारों में वधे अकस्मात। दिवाळी तहेवार में राज्यना अनेक जिलाओं में अकस्मात नोंधाया। सामान्य दिवस में आवता 424 जेटला केसों तहेवारों में 914 जेटला थया। इमरजेंसी केसों में दिवाळी 3 दिवस में 734 जेटला रोजना सरेराश मार्ग अकस्मात नोंधाया। अकस्मातों में मुख्यत्व 82% टू व्हीलर तो 18% अन्य वाहनों अकस्मात नोंधाया। 3 दिवस अकस्मातों सामान्य दिवसों की सरखामणी 87.50% वधारे। वडोदरा में अकस्मात 111 जेटला केस नोंधाया, जे सामान्य दिवसों करता 42.07% वधु। सुरेन्द्रनगर में 389.90%। छोटाउदेपुर में 365.52% अकस्मात नोंधाया। छोटाउदेपुर जोजवा गामे दारू की भट्टी पर जनता की रेड। बोडेली पुलिस ने रजूआत करवा छता कोई कामगीरी न थता लोकोए जाते दारू वॉशनो नाश कर्यो। घटना की जाण पुलिस ने थता पुलिस पहुंची और महिला बुटलेगर फरार। वेलकम बैक। नजर करिए अन्य सुपरफास्ट समाचारों पर। अंबाजीना चिखला रोड पर टेपो ट्रावेल्स में आग लागी। शॉर्ट सर्किट की आग लागी होवानुं अनुमान। 15 मुसाफरों करायो आबाद बचाव। फायर ब्रिगेडे आग पर मेळव्यो काबू। द्वारका में बे युवानों फायरिंग वीडियो वायरल थयो। वीडियो वायरल थता पुलिस एक्शन में आवी। पुलिसे खंभाड़ियाना बे युवकों विरुद्ध गुनो दाखल कर्यो। भावनगर में अखिलेश सर्कल पास घोघा जकात नाका नजीक ई बाइक स्कूटर में आग लागी। बैटरी में शॉर्ट सर्किट थता आग लागी। ई बाइक बड़ी और खाक। सदनसी जानहानी टळी। डांगना सापुतारा में कार में आग। डस्टर कार में आग लागता तमाम लोगों कार की बाहर निकलिया। आग लागता अफरातफरी।
મોરબીના સોનગઢ નજીક સતત બીજા દિવસે અકસ્માતની ઘટના સામે આવી. બસ અને ટ્રેલર વચ્ચે સર્જાયો અકસ્માત. સદ્દસ્તી બે જાનહાની ટળી. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી. વાપીના મોઢામાં રોકેટ રાખી સળગાવવાનો વીડિયો વાયરલ. વલસાડના સિટી પોલીસે નજીક યુવકોનો મસ્તી કરતો વીડિયો વાયરલ, જ્યારે સોશિયલ મીડિયામાં ચમકવા જીવનું જોખમ. સુરતના મગદલા વિસ્તારમાં પેટ્રોલ પંપ સળગાવવાનો પ્રયાસ. સોમેશ્વરમાં પેટ્રોલ ભરાવવા આવેલા વ્યક્તિએ નોઝલથી પેટ્રોલ નીચે ઢોળ્યું, સાથે જ પેટ્રોલ પંપના કર્મચારીઓ પર હથિયાર વડે હુમલો કર્યો. પેટ્રોલ ભરાવવા આવેલા વ્યક્તિ સાથે કર્મચારીની થઈ હતી સામાન્ય બોલાચાલી. પેટ્રોલ પર લગાવેલા સીસીટીવીમાં કેદ થઈ ઘટના. પોલીસે કાર્યવાહી કરી આરોપીની કરી અટકાયત. છોટાઉદેપુરમાં બોડેલીના ચોચવા ગામે દારૂના અડ્ડા ઉપર જનતા રેડ થઈ મહિલાઓ સહિત 50 જેટલા ગ્રામ્યજનોએ દારૂની ભઠ્ઠી તોડી પાડી. મોટી માત્રામાં જીવાત પડેલા દેશી દારૂના વોશનો નાશ કરાયો. અમરેલીમાં પૂર્વ કૃષિમંત્રી વીવી વગાસિયાની કારને નડ્યો અકસ્માત. કાર અને પેસેન્જર રિક્ષા વચ્ચે થયો અકસ્માત. વીવી વગાસિયાની હાથ અને કમરના ભાગે ઇજાઓ પહોંચી. રિક્ષામાં સવાર 3-4 મુસાફરોને પણ થઈ ઇજા. વીવી વગાસિયાને સારવાર માટે અમરેલી ખસેડાયા. જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કૌશિક વેકરિયા અને સાંસદ નારણ કાછડિયાએ હોસ્પિટલ પહોંચી ખબર અંતર પૂછ્યા. રિક્ષામાં સવાર ઇજાગ્રસ્તોને પણ સારવાર માટે ખસેડાયા. અમરેલી વન વિભાગે તૈયાર કર્યો ખાસ એક્શન પ્લાન. ગેરકાયદે સિંહ દર્શન પર રોક લગાવવા માટે વન વિભાગે જાહેર કર્યું એલર્ટ. સિંહના અવર જવરવાળા વિસ્તારમાં રેડ એલર્ટ. સિંહોને પરેશાની ન થાય તે માટે ખાસ નાઇટ પેટ્રોલિંગ. મોરબીમાં મની મંદિરની જગ્યામાં લેન્ડ ગ્રેબિંગ કરી દરગાહ બનાવવા મુદ્દે એફઆઈઆર. મુસ્લિમ સમાજે હાઈકોર્ટમાં કરી અપીલ. એફઆઈઆરને હાઈકોર્ટમાં પડકારાઈ અને હાલમાં કોઈપણ તપાસ કે કાર્યવાહી ન કરવા હાઈકોર્ટે આપ્યો ઓર્ડર. પંચમહાલમાં દેલોજ ગામે કાર કૂવામાં ખાબકી. ચાલક સહિત 3 વ્યક્તિઓ ગાડીમાં હતા સવાર. સ્થાનિકો સહિત ફાયરની ટીમે કૂવામાંથી પાણી ખાલી કરી રેસ્ક્યુ કામગીરી હાથ ધરી. મંત્રી નિમિષાબેન સુથારે ઘટનાસ્થળે મુલાકાત લીધી. તો સમાચારોમાં હાલ બસ આટલું જ. મને રજા આપશો. નમસ્કાર.